आज का सुविचार। डू नॉट प्रूव योर गुडनेस, वन डे टाइम विल प्रूव इटसेल्फ। अपने अच्छाइयों को साबित मत करो, वक्त एक दिन उसे अपने आप साबित कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल भोला फिटनेस। जो वीडियो है वो किडनी से रिलेटेड है। जी हाँ, किडनी को ठीक ठाक रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी जानकारी आपके लिए मैं रेडी करके लेकर आया हूँ, जो आपसे मैं शेयर करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो बताना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और किडनी के रोगों से हर साल कई लोगों की जान जाती है। ये ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन रिलीज और भोजन को फिल्टर करने का काम करता है। फ्लूइड को बैलेंस रखने का काम किडनी करती है। यूरिन यानी पेशाब को बाहर निकालने का काम भी किडनी का होता है। लेकिन किडनी खराब होने के दो कारण हैं, एक तो हाई ब्लड प्रेशर होना और दूसरा डायबिटिक होना। लेकिन कई शोधकर्ताओं में पाया गया है कि अंगूर किडनी को स्वस्थ रखने में बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, अंगूर जो फल होता है हम खाते हैं वो किडनी को स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि उसके अंदर में फाइटोकेमिकल्स होता है जो प्लांट बेस्ड कंपोनेंट। अंगूर के अंदर में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो किडनी को और कैंसर से भी बचाव तो करते हैं, साथ ही साथ इसके छिलके और बीज में भी फायदा होता है जो किडनी से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। जी हाँ, अंगूर के छिलके और बीज में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो किडनी को होने वाले नुकसान को कम करते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अदरक के अंदर जिंजर और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो उसका एक एजेंट है जो कि किडनी के अंदर होने वाले बैक्टीरिया को कम करता है, रोकता है और साथ ही साथ किडनी में होने वाले सूजन को भी कम करता है। हल्दी के अंदर में कर्क्यूमिन अवयव होता है जो माइक्रोवेव का विकास और विस्तार रोकता है और किडनी को स्वस्थ रखता है। जी हाँ, हल्दी का प्रयोग करेंगे जो आपकी किडनी के लिए। बात करेंगे अजवाइन के बारे में। अजवाइन के जड़ से पेशाब ज्यादा बनता है और बेकार की चीजों को पेट से वो बाहर निकाल देता है। अजवाइन को एक टॉनिक की तरह जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर में सोडियम और पोटेशियम होता है। ये हमारे किडनी को स्वस्थ रखने में काफी मदद करती है। किडनी फेल्योर में आधे से अधिक मरीज मधुमेह के होते हैं और उन्हें अंगूर या फिर किसी भी मीठे फल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जिसे देखकर आप अलर्ट हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में और आंखों के नीचे सूजन होना, चलते चलते थकान महसूस होना और सांस फूलना, भूख न लगना, हाजमा न ठीक होना या फिर रात को बार बार पेशाब जाना। एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार जाते हैं तो भी आप अलर्ट हो सकते हैं। शरीर पीला होना और खून की कमी होना, अगर इन चीजों के लक्षण हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत दिखाएं और अपने जान। बात में कहना चाहूंगा, अगर कुछ भी आपको दिक्कत लगती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और फिर दवाई के बारे में बात करें। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।